सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को, हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कुछ दिनों पहले आरटीओ विभाग से संबंधित एक खबर सोशल मीडिया पर आई थी। 40 गांव के जो विधायक हैं मंगेश चौहान, वो आरटीओ अधिकारी को सड़क पर डांटते फटकारते नजर आ रहे थे। काफी ज्यादा ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी ये खबर, और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में और मुझे पर्सनल मैसेज करके कुछ लोग जो हैं वो ये राय दे रहे थे कि मैं आरटीओ विभाग से संबंधित ये खबर आखिरकार क्यों नहीं दिखा रहा हूं। दरअसल मैं आरटीओ विभाग से संबंधित काफी सारी खबरें दिखाया करता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है कि हम कुछ अच्छा दिखा सकें। ये जो कुछ भी चलता है, वहां जो कुछ भी चल रहा था, विधायक मंगेश चौहान जो कुछ भी वहां पे दिखा रहे थे, उसमें बहुत बड़ी सच्चाई है और वो गलत नहीं है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। मैं खुद भी इस चीज को बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूं कि इस तरीके से ऑपरेंडी जो रहती है आरटीओ विभाग की वसूली की, वो इस तरीके से कहीं ना कहीं चला करती है। काफी सारे लोग बोलते हैं कार्ड सिस्टम रहता है, कार्ड जो है वो आरटीओ विभाग के जो लोग रहते हैं वो लोग बांटा करते हैं, नंबर्स पहुंचाया जाता है, जिन नंबर्स को कार्ड पे रहता है, जो उनके रजिस्टर पे रहता है उन्हें पकड़ा नहीं जाता, वगैरह वगैरह बहुत सारे। अभी तक इस तरीके की कोई भी चीजें लेकिन पकड़ी नहीं गई है, पकड़ाया नहीं गया है। यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में विधायक मंगेश चौहान जो हैं वो आरटीओ विभाग के अधिकारी जो हैं उनको डांट फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस विभाग का एक अधिकारी भी है जो ये कह रहा था कि भाई कोई अगर सबूत हो, कोई व्यक्ति शिकायत करने वाला हो, या फिर ये जो व्यक्ति आरोप लगा रहे हैं, ये जिन व्यक्तियों पर आरोप लगा रहे हैं, ये ऐसा कोई आदमी अगर आ जाए तो हम लोग उसको पकड़ लेते और उस पर केस कर देते। वहां पर ऐसा सब कुछ हो रहा था लेकिन किसी पे भी कोई भी केस नहीं किया गया। जब वहां पुलिस वाला मौजूद था तो फिर किसी को पकड़कर केस क्यों नहीं कर दिया गया? जो व्यक्ति वसूली कर रहा था, आरोप लगाया जा रहा था उस जगह पर कि आरटीओ विभाग जो है वो कहीं ना कहीं अपने पंटरों के माध्यम से वसूली करता है, तो जब आपको पंटरों का नाम मालूम है, आप पहचानते हैं, आप फोन पे बातचीत करते हैं उनसे, तो आपने जुर्म क्यों नहीं दर्ज कर दिया वहां पर? आपको उसी वक्त तो पुलिस थाने में जुर्म कर देना चाहिए था। पुलिस वाला वहां खुद था, वो खुद बोल रहा है कि किसी को आप पहचानते हैं अगर तो हमारे साथ चलिए। क्या बातचीत चल रही थी ये थोड़ा सुन लेते हैं। नहीं साहब, मुझे आओ साहब, तो तुमच्या तोंडावर सांगतोय, तुम्ही दारू पिऊन बोलत नाहीये, शुद्धी देतो साहेब, बरोबर आहे तुम्ही, आणि एक नाही सांगा, तुम्ही इथे थांबा, तुम्हाला 100 लोक उभे करतो मी। अरे 10,000 रुपये हप्ता लेतो तुम्हाला, मालेगाव रोडला डंपर चालाय 3,000 रुपये महिना, 9 डंपर 27,000 रुपये दर महिन्याला द्यायचो। हा 27,000 रुपये देतो तुम्हाला महिन्याला, कितना हप्ता देता रे साहेब? ज्या रोडला तुम्ही सांगाल ना ती गाडी आपण चेक करू, ती गाडी प्रॉब्लेमॅटिक असेल, प्रश्नच नाही। तुम्ही कसं शक्य आहे साहेब? ऐका ऐका, त्यांची तक्रार वेगळी आहे, तुम्ही जरा वेगळं, तुम्ही कायद्याच्या भाषेत सांगताय, तुम्ही तुमचं काम करावं, यात मी तुम्हाला आडकाठी घालत नाहीये। हे लोकांना तुम्ही हप्ते त्रास देताय ना, तो विषय आहे, बरोबर। आज किती कारवाई केला तुम्ही गाड्यांवर? आज 4-5 गाड्यांच्यावर कारवाई झाली। काय कसल्या कारवाई झाल्यात? ओव्हरलोडचीच झाली साहेब। तुम्ही लोड कुठे मोजा त्यांचा? तिथं काट्यावर मोजत आहे। बरं, आता विचारच आहे का, इतर लोक जे हप्ते येतात त्यांना तुम्ही कसं काय सोडताय? पूर्ण सिंडिकेटेड आहे, गोळा होतात, नंबर जातात दर महिने, पहिले 1-5 होता, तुम्ही ओव्हरलोड चालवा आणि काही बी करा, 1-5 तारखेपर्यंत तुमचा हप्ता पोचला, नंबर SMS व्हॉट्सअप पोचले का ते नंबर यांच्याकडे येतात, ज्या गाड्या धरल्या तरी सोडून देता, कोणाल्या आल्या त्या याचा दलालचा, आणि त्यांचे नंबर गेले नाही, हप्ता गेले नाही, त्यांच्यावर कारवाई। साहेब, यांची तक्रार आता तुमच्याकडे येईल का? ECB ला आता कसं? हा ECB म्हणजे आता हे जळगाव शाखेला, ठीक आहे, ते आता मी माझ्या मलाच करावं लागेल तक्रार यांच्या वतीने। ए बाबा, तुम सब ड्रायव्हर लोक देखो, तुम जिंदगी में ऐसे करते रहते, डरते कि खाकी देख के तुमको लोग कहा कि अपने को मार डालेंगे, कुछ कायदे का राज्य, तुम मेरे को सब सया करके दो,
और जो सच है वो हकीकत बताओ। मैं सबको मेरे लेटर हेडपेन की सबकी तकरार करके एसीबी को चौकसी करने को लगा था। कोणाला देतात पैसे सांगते का तुम्हाला? दुसरे परदेशी दादा अभी ये जो वीडियो आपने देखा इसके अंदर 40 गांव के विधायक मंगेश चौहान हैं, जो डांटते फटकारते नजर आ रहे हैं आरटीओ विभाग के कर्मचारी को। साथ ही साथ पुलिस वाला भी वहां पर है, जो ये सवाल कर रहा है कि भाई आप किसी को जानते हैं, आप किसी को जानते होंगे तो हम उनके साथ जाकर केस दर्ज कर लेते हैं या उनको पकड़ लेते हैं। अब मुझे एक बात समझाइए, आप सभी लोग जो भी हैं वो इस चीज को सोचिए, आमदार विधायक मंगेश चौहान जो हैं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री तक गए हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां पर इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर शायद सोशल मीडिया पर नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीर है जहां पे मंगेश चौहान जो हैं वो मुख्यमंत्री जो हैं उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबर ही आई कि किरण कुमार बकाले और आरटीओ विभाग में जो भ्रष्टाचार इस तरीके से चल रहा है उसके खिलाफ ये शिकायत करने के लिए वहां पर गए थे। आरटीओ विभाग की शिकायत वहां मुख्यमंत्री से की गई और अब जांच पड़ताल होगी उसके ऊपर। विधायक गिरीश महाजन जो हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, ये सब लोग मिलके शायद मुख्यमंत्री शिंदे जी के पास गए और उन्होंने शिकायत की कि आरटीओ विभाग में इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। मेरा सवाल सभी से ये है कि ये आरटीओ विभाग में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस बारे में जलगांव में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कर दी गई? जब आप यहीं पकड़े थे, आप आरटीओ विभाग में इस तरीके के कांड तो कई बार मैंने खुद बताया है कि किस किस तरीके से वहां भ्रष्टाचार होते हैं, मुक्ताई नगर में क्या होता है, हाड़ाखेड़ चेकपोस्ट पे क्या होता है, ये सारी चीजें तो बहुत सी चला कर दिए। इस बारे में शिकायत कर यहाँ क्यों नहीं कर देते? ये जो कुछ भी चल रहा था उसी वक्त जाते थे, जो एजेंट पैसा जमा कर रहा था उसको पकड़ते थे, उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते, एफआईआर दर्ज करते थे। अगर वो एजेंट ये बोलता था कि ये फलाना अधिकारी मुझसे पैसे मांगता है और हम इसके लिए काम करते हैं, उसके खिलाफ भी केस कर देते थे। इसके लिए मुख्यमंत्री तक जाने की आवश्यकता थी क्या? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि विधायक जी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंबई तक चले जा रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तक चले जा रहे हैं। अरे भाई, जलगांव में इतना कुछ होता रहता है। जलगांव में शिवाजी नगर का पुल था जो 3 साल तक नहीं बना था, कौन सा विधायक और कौन सा सांसद चला गया तो मुख्यमंत्री के पास? किसके पास चले गए थे? और कैसे 3 साल तक जो यातना झेल रहे थे जलगांव के शिवाजी नगर, छत्रपति शिवाजी नगर पे पुल का जो मामला चल रहा था उसमें, वहां कौन सा विधायक चला गया था? इतने दिनों से जलगांव में सड़कें खराब है, कौन चला गया, कौन सा विधायक चला गया? 40 गांव से भाजपा के सांसद जो हैं उन्मेश जी पाटिल वो भी आते हैं, कहां कौन क्या कर लिया? ये जो आरटीओ विभाग का भ्रष्टाचार चल रहा है उसके अंदर आप स्टिंग कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और इतना कुछ होने के बाद भी केस वेस दर्ज नहीं कर रहे हैं। आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास और मुख्यमंत्री के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं। साहब, और भी परेशानियां हैं दुनिया में, दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं। ये जो यातायात विभाग की, आरटीओ विभाग की जो परेशानी थी, ये तो एक छोटी परेशानी है जो कुछ ट्रक ड्राइवर्स को जो यहाँ से गुजरते हैं उन लोगों के साथ हो रही होगी गलती, गलत चीजें। लेकिन यहाँ तो 3-4 लाख पब्लिक जो इस इधर उधर रहती है जलगांव में,
उन लोगों के साथ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सिर्फ जलगांव शहर में नहीं, 40 गांव में क्या समस्याएं नहीं होगी? बाकी कौन सी समस्या के लिए लोग चले गए? जलगांव में खुले मार्केट से संबंधित कांड जो है वो कितने सालों से चल रहा है, कई बार उन्हें आश्वासन दे दिया गया, कौन सा विधायक चला गया मुख्यमंत्री के पास और ये सारी चीजें करवाने के लिए चले गए? ये जो कुछ भी प्रोपेगंडा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रसिद्धि के लिए तो नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोग कहने लगे खुद। ये बातें मैंने खुद सुन ली है, चलते फिरते जब लोगों से बात की जाती है तो लोगों का ये जो मैं मेरी जो चीजें हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये लोगों के दिमाग की उपज है। उन्होंने मुझे बताया कि ये इस बात के लिए लोग मुख्यमंत्री तक भिड़ रहे हैं, हमारे विधायक सांसद, और यहाँ पर इतने दिनों से जो हमारी परेशानियां चलती है बाकी की, उसके लिए कोई कुछ ध्यान नहीं देता है। सड़क जो है वो जो हाईवे बना है वो कितना बकवास बना है, जहां पर अभी एक साल भी नहीं हुआ है वहां पे गड्ढे हो गए हैं, सड़कें फूल के आ गई है बाहर। इन सब चीजों पर कोई विधायक गया क्या मुख्यमंत्री के पास? और भी बड़ी बड़ी समस्याएं जलगांव में हुई है, कोई कहीं नहीं गया, लेकिन ये बात जो है इसके लिए आया मुख्यमंत्री तक चला जा रहा है, उसकी प्रसिद्धि की जा रही है। क्या ये 2024 की तैयारियां हो रही है इस तरीके से अपने आप को प्रसिद्ध करके? अगर चीजें आपको करनी है तो सही तरीके से कीजिए और जो रूल्स रेगुलेशन है उस पर फॉलो कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कानून पर विश्वास नहीं था क्या? आप कानून पर विश्वास था तो उसी वक्त आपको केस दर्ज कर देना चाहिए था। ये सारी बातें जनता के बीच चल रही है, तो जनता जो है वो सब कुछ समझती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है, कहाँ क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए ये सभी जो समाज जन है वो जानते हैं। तो विधायक जी जो थे वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आरटीओ विभाग में इस तरीके के जो भ्रष्टाचार होते हैं इनकी पोल खोल होनी ही चाहिए और उसी वक्त केस कर देनी चाहिए थे आप लोगों को। आप लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया तो चांस दे दिया कहीं ना कहीं उनको बचने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय।